दोस्तों हमारे यहाँ बड़े कहते हैं जैसा होगा नाम वैसा करोगे काम, और इसे लाइव प्रूफ भी किया है हमारे यशस्वी जायसवाल भैया ने। क्या बात है? देखो ना, इसके नाम के ही आगे जय लगाओ, उसकी भला पराजय कैसे हो सकती है। बात तो सही है। 3 साल पहले रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल को कहा था कि ये लड़का आगे चलकर गजब कमाल करेगा। एक 22 साल के लड़के ने पूरा दिन बल्लेबाजी कर फिरंगियों को उनकी औकात याद दिला दी। वहीं खुफिया सूत्रों से पता चला है कि इंग्लैंड वाले ड्रेसिंग रूम में अपने मोबाइल में इंडिया का बजट देख रहे थे कि भैया बर्नौल सस्ता हुआ है कि महंगा। वहीं अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में कभी यशस्वी जायसवाल पानी पूरी का लगाते थे ठेला, आज उसी ने इंग्लैंड को जमकर पेला। इतना तो कभी नेहा कक्कड़ रियलिटी शो में नहीं रोई होंगी जितना कि कल इंग्लैंड वालों को रुलाया गया है। गजब बेइज्जती है। वहीं यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखकर खुद क्रिकेट के भगवान ने भी उन्हें यशस्वी भाव लिखकर बधाई दी। आपको बताते, जहीर खान ने रजत पाटीदार को टेस्ट डेब्यू की कैप जैसे ही थमाई, ये क्लियर हो गया है कि केएल राहुल की जगह रजत पाटीदार को मिल चुकी है। अच्छा। वहीं सरफराज खान का भी डेब्यू होने में भी कुछ और समय लग सकता है। वहीं मोहम्मद सिराज को भी छुट्टी दे दी गई है और जडेजा की जगह कुलदीप यादव को मौका मिल गया है। वहीं बात करें मैच की, तो इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग ली, मगर शुरुआत अच्छी नहीं रही। अपने हिटमैन के आगे अब शिटमैन लगा, क्योंकि इनको किसी की नजर लग गई है। फिर से रोहित जल्दी आउट हो गए। वहीं शुभमन गिल भैया तो कसम खा लिए हैं कि 10-20 रन से ज्यादा वो नहीं बनाएंगे। टीम इंडिया ने लंच तक 2 विकेट खोकर 103 रन बना लिए थे, मगर कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट का असली मजा लंच ब्रेक के बाद ही आता है। तो आ गया भाई, विशाखापट्टनम की इडली में कौन सा जादू था जो यशस्वी जायसवाल ने अंग्रेजों को जमकर होंका। दोस्तों को क्या लगता है कि जायसवाल अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर पाएंगे, और क्या इंडिया वाले 400 प्लस रन बना पाएंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।